हेलो फ्रेंड्स, पेट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं जो कि हमारा टॉपिक रहेगा कि हम हमारे हेयरी ब्रीड्स जो होती हैं उनका कैसे मैनेजमेंट करें, उसके हेयर कोट का कैसे मैनेजमेंट करें, जैसे कि जर्मन शेफर्ड, जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर, सेंट बर्नार्ड, शिट्ज़ू, इन सभी के हेयर कोट का मैनेजमेंट कैसे करें। गर्मी आ चुकी है और बहुत से डॉग ओनर्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हेयर फॉल या फिर हेयर कोट उनका प्रॉपर नहीं होता उनके डॉग्स का, तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे करें, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, जितने भी हेयरी ब्रीड के जो डॉग्स होते हैं उनका मैनेजमेंट करने के लिए, केवल हेयरी ब्रीड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी डॉग हो उसका पहला जो हेयर कोट का मैनेजमेंट है उसमें हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने डॉग की प्रॉपर डीवर्मिंग कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप टाइम से डीवर्मिंग नहीं कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला साइन आएगा कि उसमें हेयर कोट जो है रफ़ हो जाएगा, प्लस उसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम आएगी, प्लस उसे इचिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो पहला सोल्यूशन तो ये रहेगा कि आप उसकी प्रॉपर डीवर्मिंग जरूर करें, टाइम टू टाइम अपने वेट से कंसल्ट करें और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम उसकी डीवर्मिंग करें। दूसरा जो हम कहते हैं कि हम और क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, तो हम हमारे पेट ओनर्स को भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप कोई भी ऐसा स्किन कोट टॉनिक यूज़ लें, जैसे कि यहाँ पर हिमालय का एक टॉनिक है फर ग्लो नाम से। ऐसे ही आपको और भी ब्रांड्स मिल जाएंगी, जैसे कि न्यूट्रीकोट होता है, न्यूट्रीकोट एडवांस होता है, ग्लॉसी कोट होता है, ग्लॉसी कोट प्लस होता है और साथ में ड्रूल्स का सैल्मन ऑयल आता है। इन सभी में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, उसमें कॉमन क्या रहेगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है एनरिच्ड विद ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो कि स्किन के ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए और स्किन की केयर के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। इसके साथ में स्किन के लिए आपको जिंक की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस आपको वाइटामिन ई और सेलेनियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो मैंने आपको टॉनिक्स बताए, जैसे कि हिमालय का फर ग्लो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने बताया न्यूट्रीकोट पेट केयर का आता है, या फिर ग्लॉसी कोट आता है, वेंकी का आता है, या फिर ड्रूल्स का जो है सैल्मन ऑयल आता है, आप इनका यूज़ लें। आप उसे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, डोज रेट के अकॉर्डिंग डॉग की डाइट में रेगुलर ऐड करें तो आपके जो जितने भी हेयरी ब्रीड्स हैं उसकी कोट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी और कोट बहुत ही ज़्यादा शाइनी और लश हो जाएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इसे फर ग्लो पिला दिया है, तो आप टाइम टू टाइम रेगुलर इसकी जो डाइट में जो है, या तो आप खाने में डाल सकते हैं या फिर इसे डायरेक्ट जो है ये टॉनिक पिला सकते हैं, और इससे आप देखेंगे कि जो हेयर ग्रोथ है वो प्रॉपर रहेगी, प्लस हेयर्स में शाइनिंग आ जाएगी, कोट जो है वो शाइनी हो जाएगा, बहुत अच्छा कोट हो जाएगा इससे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे डॉग के बाल बहुत झड़ते हैं, शेडिंग बहुत होती है और बाल जो है पूरे घर में फैल जाते हैं, तो उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका, आप टाइम टू टाइम उसकी ग्रूमिंग करें या फिर कॉम्बिंग करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कॉम्बिंग कर रहा हूँ, कॉम्बिंग करने का एक फ़ायदा आपको मिलेगा कि डॉग की जो स्किन है और जो हेयर कोट है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। इससे बालों को जो है वो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलने की वजह से वहाँ पर जो है वो उनकी प्रॉपर ग्रोथ होगी, उनको नरिशमेंट मिलेगा और साथ में ही जो है सर्कुलेशन बने रहने की वजह से वहाँ पर प्रॉपर जितने भी डेड हेयर्स होते हैं, जैसे इस डॉग में तो डेड हेयर्स नहीं है, बट डेड हेयर्स जो हैं वो सारे के सारे आपके कॉम्ब में ही आ जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम हमारे डॉग को हमेशा डॉग शैम्पू से ही नहलाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं कि हमने हमारे डॉग को जो है वो ह्यूमन शैम्पू से नहला दिया, क्लिनिक प्लस या सनसिल्क से नहला दिया, हेड एंड शोल्डर से नहला दिया। तो देखिए, डॉग की स्किन की पीएच अलग होती है, ह्यूमन की स्किन की पीएच अलग होती है, इसीलिए जो है डॉग्स के लिए मेडिकेटेड शैम्पूज़ बने होते हैं। अगर आपके डॉग को अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं स्किन रिलेटेड, तो आप अलग अलग शैम्पू अकॉर्डिंग टू वेट एडवाइस आप उसे यूज़ ले सकते हैं। वेटनेरियन क्या डिजीज़ डायग्नोस करता है या कौन सी प्रॉब्लम आपको वो बताता है कि स्किन में क्या प्रॉब्लम है आपके डॉग को, उस बेस पर वो जो है आपको
शैम्पू भी प्रेस्क्राइब करेगा। तो हमेशा डॉग शैम्पू यूज़ लीजिए। और नहलाने की फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी गर्मियों का समय चल रहा है तो पीक पर है गर्मियाँ नॉर्थ इंडिया में हम देखें तो उसमें आपको जो है कम से कम 5 से 6 दिन के गैप में डॉग को नहलाना चाहिए। और सर्दियों की हम बात करें तो सर्दियों में आपको हर 15 दिन के गैप से मतलब महीने में 2 बार ज़रूर नहलाना चाहिए। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें, पहली बात डिवर्मिंग, दूसरी बात उसे प्रॉपर नरिशमेंट मिले, तीसरी बात उसको कोई ऐसा स्किन टॉनिक होना चाहिए, स्किन को टॉनिक होना चाहिए वो आप ऐड करें, चौथी बात आप उसकी कॉम्बिंग और जो है साथ साथ में डेड हेयर्स को रिमूव करने की आदत आप खुद भी डालिए, और लास्ट में कि आप उसको कोई अच्छा सा मेडिकेटेड डॉग शैम्पू से ही हमेशा नहलाएं, तो आपकी जो डॉग्स हैं उसकी जो स्किन कोट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा।